लेसन 30 ईयर एंड प्रोसेस। इस चैप्टर में हम ईयर एंड प्रोसेस के बारे में जानेंगे जो कि इंक्लूड करेगा हमारी ईयर एंड एंट्रीज एंड चेंजिंग फाइनेंशियल ईयर। जनरली इन इंडिया अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक फॉलो होता है, तो 31 मार्च को ये नीड अराइज होती है कि कुछ एक एंट्रीज हैं जो स्पेसिफिकली ईयर एंड पे ही होती हैं, जैसे कि प्रॉफिट ट्रांसफर करना है, इंटरेस्ट की कोई एंट्री है आपकी, डेप्रिसिएशन चार्ज की है, तो ये सारी एंट्रीज ईयर एंड पे होंगी जो हमारी ईयर एंड एंट्रीज कहलाएंगी। एंड कैसे आप एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में स्विच करेंगे बिजी में, तो यही सब हम इस चैप्टर में जानेंगे। सबसे पहले हम ईयर एंड एंट्रीज डिस्कस करेंगे जिसके अंडर हम डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस जीएसटी पेबल फॉर लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इस एंट्री को आप बिजी में किस तरीके से एंटर करेंगे ये जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की एंट्री के बारे में जानते हैं। हम ट्रांजेक्शंस जर्नल एड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज बताई, डेट बताई, जीएसटी नेचर हमने नॉट एप्लीकेबल नॉन जीएसटी लिया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया है एंड मारुति वैन अकाउंट को क्रेडिट किया है। हमने यहाँ एज्यूम किया है कि मारुति वैन वर्थ ₹2 लाख थी जिसपे 15% डेप्रिसिएशन जो है चार्ज किया है। नेक्स्ट हम इंटरेस्ट की एंट्री देखेंगे। अगेन हम जर्नल वाउचर में गए, हेडर से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करी, जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल नॉन जीएसटी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को हमने डेबिट किया एंड बैंक लोन अकाउंट को, एचडीएफसी लोन अकाउंट जो हमने यहाँ सिलेक्ट किया है उसे हमने क्रेडिट किया है, तो ये हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक की ईयर एंड एंट्री है। नेक्स्ट हम एंट्री डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉफिट या लॉस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगेन जर्नल वाउचर हमने एंटर किया, जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल नॉन जीएसटी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया है यहाँ पे, और कैपिटल अकाउंट दो हमारे पार्टनर्स हैं पीयूष एंड रूपेश के नाम से, उन दोनों में प्रॉफिट जो है ट्रांसफर किया है, उन दोनों अकाउंट्स को हमने क्रेडिट किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी जो लास्ट मंथ का आपने पे करना है वो आप नेक्स्ट मंथ में एक्चुअली पे करेंगे एंड तब तक फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका होगा, तो इस तरीके की कैसे एंटर कर सकते हैं। इसके लिए भी हम एक जर्नल वाउचर ही एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे जीएसटी नेचर हमने सिलेक्ट किया, जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट, उसके बाद हमने डेबिट किया CGST आउटपुट अकाउंट को एंड SGST आउटपुट अकाउंट को, यदि IGST है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। CGST एंड SGST आउटपुट अकाउंट को हमने डेबिट किया एंड GST पेबल अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। इस अकाउंट को पहले हम क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम अकाउंट मास्टर में गए, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज अकाउंट ग्रुप के अंडर हमने जीएसटी पेबल अकाउंट को क्रिएट किया है और इस अकाउंट को क्रेडिट किया है। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। अब हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, हालांकि चैप्टर के आगे पार्ट में हम डिटेल में से डिस्कस करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन में गए, यहाँ पे हमने फाइनेंशियल ईयर चेंज किया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में देखिये हम आ गए, यहाँ पेमेंट का वाउचर हमने एंटर किया, जिस डेट को भी आप जीएसटी की पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे हमने जीएसटी पेबल अकाउंट को डेबिट किया एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब हम अगेन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आएंगे, स्विच बैक किया हमने फाइनेंशियल ईयर में, जो जर्नल वाउचर हमने ऐड किया था जिसमें कि जीएसटी पेबल अकाउंट को क्रेडिट किया था उसे मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे एंड यहाँ पे जब हम इस वाउचर को सेव करेंगे तो जीएसटी पेमेंट डिटेल्स विंडो अपीयर होगी जिसमें पेमेंट से जुड़ी डिटेल्स हम एंटर करेंगे, लाइक चालान नंबर, डेट, चेक डीडी नंबर, डेट, बैंक नेम, बैंक का कोड, इंटरेस्ट पेनल्टी फैनी, तो जो भी ये सारी डिटेल्स हैं जब आप वापस प्रीवियस ईयर में आएंगे तो जीएसटी पेमेंट डिटेल्स में जब वाउचर को मॉडिफाई करेंगे तो जीएसटी पेमेंट डिटेल्स में ये डिटेल्स आप एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो जीएसटी मार्च का बनता है, जो अप्रैल में आप पे कर रहे हैं, उसकी एंट्री बिजी में इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम चेंजिंग फाइनेंशियल ईयर डिस्कस करेंगे, हालांकि अभी हमने शॉर्ट में देखा कि किस तरीके से आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं, तो अगेन हम इस प्रोसेस को यहां पर डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन में जाएंगे एंड न्यू ईयर फ्रॉम द जो भी आपका करंट ईयर होगा, न्यू ईयर होगा, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। क्रिएट न्यू ईयर ओनली, डोंट कैरी बैलेंसेस, यदि आप इस ऑप्शन को एनेबल करते हैं तो सिर्फ न्यू ईयर क्रिएट हो जाएगा, बैलेंसेस जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। ये ऑप्शन आपकी तब यूज होगी यदि आपको थोड़ी सी जल्दी है फाइनेंशियल ईयर चेंज करने में, तो आप विदाउट बैलेंसेस न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि विद बैलेंसेस जब आप न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करते हैं तो थोड़ा सा टाइम इस प्रोसेस में लगता है। यदि ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है तो इस ऑप्शन को आप एनेबल करके ही फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं, जिससे कि सारे मास्टर्स जो हैं, बैलेंसेस हैं, वो सब कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो इस तरीके से आप फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन को यूज करके स्विच बैक भी कर सकते हैं किसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। तो ये था हमारा ईयर एंड प्रोसेस, जिसमें कि हमने ईयर एंड एंट्रीज एंड चेंजिंग फाइनेंशियल ईयर के बारे में डिस्कस किया है। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।